और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि जामनगर से आ रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान पाटीदारों ने अपने ही अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। पाटीदारों ने भाषण के दौरान जय सरदार और जय पाटीदार के नारे लगाए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने फौरन नारे लगा रहे लोगों को वहां से हटा दिया। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, सौनी प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आज जामनगर पहुंचे थे, गुजरात पहुंचे थे, जहां पर पाटीदारों ने यह हंगामा किया। खबरों के मुताबिक पहले ही हार्दिक पटेल ने पाटीदारों को कहा था कि वो प्रधानमंत्री के रैली का बायकॉट करें, और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री जब जामनगर पहुंचे थे सावनी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए, वहां पर सभा को संबोधित करना था प्रधानमंत्री को, इसी सभा में पाटीदारों ने जय पाटीदार के नारे लगाए। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अचानक से भगदड़ सी मच गई, क्योंकि यहां पर पाटीदार पहुंच गए थे और वो वहां पर हंगामा करने लगे। पाटीदारों ने भाषण के दौरान जय सरदार और जय पाटीदार के नारे लगाए। हार्दिक पटेल ने पहले ही प्रधानमंत्री की इस रैली को बायकॉट करने की बात कही थी, पाटीदारों को कही थी, और पाटीदारों ने इस रैली में पहुंचकर जय सरदार जय पाटीदार के नारे लगाए। हालांकि वहां पर मौके पर पुलिसकर्मी पहुंच गए और फौरन उन लोगों को वहां से हटा दिया।